a student of Icon Institute. Today I will teach you how to open WordPad. So let's start with it. सो वर्ड पैड स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, वर्ड पैड सर्च करना है एंड इंटर। एंड माय सेकंड ऑप्शन, हम विंडो की प्लस आर की हेल्प से भी रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे एंड यहां पर वर्ड पैड सर्च करेंगे एंड ओके प्रेस करेंगे। मैंने यहां पर एक एप्लीकेशन तैयार कर रखा है, सो आप देख सकते हैं मैंने एक एप्लीकेशन तैयार कर रखा है यहाँ पर। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो तो आप फॉन्ट स्टाइल की हेल्प से उस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कर्सर को फर्स्ट में रखा है, सिलेक्शन लिया है एंड अपने हिसाब से किसी भी फॉन्ट का किसी भी टेक्स्ट का मतलब से फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया है। एंड अगर आपको अपने टेक्स्ट का साइज कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप फॉन्ट साइज़ की हेल्प से उस टेक्स्ट का फॉन्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड द सेकंड ऑप्शन, हम ग्रो फॉन्ट की हेल्प से एंड श्रिंक फॉन्ट की हेल्प से भी फॉन्ट का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सो यू कैन सी हम ग्रो फॉन्ट की हेल्प से फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर रहे हैं एंड श्रिंक फॉन्ट की हेल्प से फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि हम यहाँ पर बोल्ड की हेल्प से अपने फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं एंड द सेम इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये मेरा इटैलिक हो चुका है। अगर आपको किसी भी लाइन को अंडरलाइन करना हो तो हम यहाँ अंडरलाइन की हेल्प से अंडरलाइन कर सकते हैं। बाय द वे, आपका कोई ऐसा सेंटेंस या वर्ड गलत हो चुका है तो हम यहाँ पर कर्सर लेंगे एंड स्ट्राइक थ्रू की हेल्प से इसको रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले को लिखना है तो आप फॉर्मूले को लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी A2 - B2। एंड सो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि हम सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट की हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कर्सर रखना है, सिर्फ दबाकर राइट एरो पर क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट एरो पर क्लिक करना है एंड सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है एंड सेम आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट से करना है और फिर से सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर फॉर्मूला रेडी हो चुका है। एंड देन आपको अगर किसी भी फॉर्म को हाईलाइट करना है, उस चीज़ को हाईलाइट करना है, सो आप कर्सर की हेल्प से उस चीज़ को हाईलाइटर की हेल्प से आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। देन आपको किसी भी फॉर्म को चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो आप टेक्स्ट कलर की हेल्प से उसका चेंज कर सकते हैं फॉर्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।